नाज़रीन हमारे साथ लाला रोबन मौजूद है जो अकबराबाद के हवाले से कौम को बताएंगे कि नया एग्रीमेंट क्या हुआ और ये टोटल रकबा कितना था और इसकी मालियत क्या थी और कितने साल ये केस चला और अब जो एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट के हवाले से कौम को क्या फायदा हुआ। जी लाला जी बताएं आप जरा प्लीज कौम को। फैसलाबाद में मोहल्ला अकबराबाद है, यहाँ पे तकरीबन कोई 70-72 के कोई फैमिली जो है वो यहाँ रह रही हैं। और वो जगह जिस पे वो रह रहे थे वो प्राइवेट मालकान थे। जैसे पुराने दौर में होता था कि लोग जो थे वो बतौर मुलाजम रख लिए जाते थे अपनी प्राइवेट जगह पे, तो ये 60 साल से वहां पे बात थी। अभी इनका मसला जो 27 साल से चल रहा था मालकान के साथ कोर्ट कचहरी में, जिसमें चलता चलता मसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला था वो मालकान के हक में हो गया। वो भी ऐसे हुआ कि हमारे ही कुछ वकला थे लाहौर से, जिन्होंने इनके इनसे भी भारी फीस ले ली और उन्होंने मालकान जो थे उनके साथ भी गठजोड़ करके तो उन्होंने इन लोगों को के अगेंस्ट जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। वो इस तरह कि उन्होंने इन बाला बाला ही 3 साल तो इनको पता ही नहीं चलने दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है या सुप्रीम कोर्ट में जो बात चल रही है उसमें डेट कौन सी पड़ेगी। और उसमें उन्होंने ये किया कि लिख के दे दिया कि जी हम 6 माह में ये खाली कर देंगे, और इन लोगों को नहीं था पता कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होना है। ये 2020 में फैसला हुआ और 2022 में एक नया एग्रीमेंट, वो भी एग्रीमेंट जो था ना वो भी कुछ लिखा लिखा एग्रीमेंट नहीं था, जिसके तहत इन्होंने 7,75,000 में वो जगह जो थी ये 72 मरले जगह बनती है और 2.5-3 मरले 5-5 मरले की जगह है। यहाँ पे लोग बैठे हैं फैमिलीज वाइज, वो एक एक घर में तीन तीन चार चार फैमिली था। तो अभी 2022 में इन्होंने 1,27,00,000 रुपया पौने 8 लाख के हिसाब से पे कर दिया। मालकान जो थे वो इस बात को तो मानते हैं कि हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एग्रीमेंट किया और उसको जनाब अपना जो दूसरा उस पोर्शन है वो उन्होंने कोर्ट में नहीं बताया कि हमने दोबारा एग्रीमेंट लोगों से कर दिया, हमसे 1,27,00,000 रुपये ले लिया है। ये वो प्राइवेटली तौर पे मानते हैं। अभी जो नया एग्रीमेंट इसमें हुआ है वो हुआ है 14.5 लाख रुपया फी मरला के हिसाब से, और ये तकरीबन 72 मरले जगह बनती है और वहां पे गरीब लोग हैं और हमारी यहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने इकट्ठे मिल के फैसला किया है कि इनकी पेमेंट जो है वो 6 माह के अंदर, क्योंकि मालकान कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमने आपसे खाली करवाना है। वो खैर नेगोशिएशन वही मालकान के साथ और पुलिस के साथ, और पुलिस ने अच्छा किरदार किया इसमें कि वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल दरामद जो करवाया वो भी उस पर डिले करते रहे। वो भी सस्पेंड रहा है, उसकी जो सैलरी है वो भी उसको नहीं मिली, नोटिस होते रहे सीपीओ साहब को। इसमें तो कल इसमें एग्रीमेंट हुआ है कि 14,50,000 रुपया जो हिसाब से हम 72 मरले की पेमेंट करेंगे, और उसमें जो पहले इन लोगों की तरफ से पैसे जा चुके हैं वो भी बीच में ऐड होंगे। ये एग्रीमेंट हुआ। अच्छा लाला जी आप बताएं कि इसमें हमारे मजहबी रहनुमा सियासी और एनजीओ भी शामिल थी, क्या इन्होंने अपने तौर पर माली तौर इन लोगों को माली ऑफर कोई दी है? लेकिन ये पहली बात तो ये है कि लोगों से ही ये कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें करें, ठीक है, क्योंकि ये 10 करोड़ रुपया है। हमारी जो कोशिश है इस कमेटी में मजहबी रहनुमा भी हैं, मुस्लिम चर्चेस के हेड भी हैं, इसमें मिनिस्ट्रीज भी हैं, इसमें एनजीओ भी हैं, और ये तो चूंकि अभी अपना स्टार्ट था इसलिए जिन जिन लोगों को इसमें नए नए लोग भी शामिल हो रहे हैं और इस आपकी से अब
ہم نے دوسرے چینلز کی حساسوں سے بھی یہ نہ صرف پورے پاکستان کے مسیح بلکہ ہمارے مسیح جو بیرون ملک رہتے ہیں ہم نے ان سے بھی التجا کی ہے کہ آپ لوگ اور آپ سب مل کے لوگوں کو اس مشکل سے نکال دیں. وہ جگہ کافی قیمتی ہے, وہاں پہ بھی مرلہ جو جگہ ہے نا وہ ہے تقریباً 32-33 لاکھ روپیہ مرلہ ہے, اور اگر یہ ان کے گھر ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اچھی جگہ کے مالک بن سکتے ہیں. جی تھینک یو لالچ. منظور گل صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جو گھر وہاں لاک ہوئے تھے کیا وہ ابھی اوپن ہو گئے, وہ اپنے لوگ جو اپنے باہر سو رہے تھے اپنے گھروں میں شفٹ ہو گئے؟ جی چونکہ یہ آرڈر کورٹ کے تھے, سپریم کورٹ کے تھے, اس لیے پولیس اور بیلک میں بند کروائے تھے, لاک کروائے تھے, تو ابھی تک تو مذاکرات چل رہے ہیں. امید ہے ایک دو دن میں یہ سارا کام مکمل ہو جائے گا, لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. اچھا جی یہ بتائیں وہاں مذہبی لوگ بھی شامل تھے, سیاسی لوگ بھی تھا, ہم جانتے ہیں کہ سب نے اپنا کردار کیا, مذہبی لوگوں نے کوئی اعلان کیا کہ ان کی مالی سپورٹ کی جائے؟ جی یہ سارا جو مہم ہے فنڈ ریزنگ کی, یہ مذہبی لوگوں, سیاسی لوگوں اور سماجی لوگوں کی مشاورت سے ہوا ہے اور اس میں سارے بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں. ایز اے آپ سوشل ورکر ہیں, تو ایز اے سوشل ورکر جب آپ ان لوگوں کو کھانا بھی دیتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرتے تھے, انہوں نے آپ پر کیا توقع اور امید رکھی تھی؟ میرے خیال میں اب تک ان متاثرین کی ساری توقعات پوری کمیونٹی پر. ہمارے ساتھ میڈم سائقہ احمد موجود ہیں جو این جی او سرکٹ سے تعلق رکھتی ہیں. جی میڈم, آپ اکبر آباد کے حوالے سے جو سروے کیا ہے این جی او کے حوالے سے, اس کو ہمیں ذرا بریفلی بتائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ این جی او سیکٹر ہمیشہ بھی جب بھی کوئی ملکی حالات خراب ہوئے, سیلاب آیا یا کچھ بھی ہوا ہے, تو اس میں ہمیشہ پیش پیش رہا ہے, اور ابھی بھی بہت ساری آرگنائزیشنس وہاں پہ گئی ہیں. اور میں بات کروں گی اپنے بہت ہی محترم بشپ الیاس احمد صاحب کی, ان کی رہنمائی میں ہم لوگوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں این جی او سیکٹر سے بھی بہت سے لوگ شامل ہیں, اور اس میں میں بھی شامل ہوں اس کور کمیٹی کے اندر. اور این جی او سیکٹر جو ہے اپنی چرچ لیڈرشپ کے ساتھ مل کے اور اپنی سوشل لیڈرشپ کے ساتھ مل کے اس طرف اس بات کی طرف زیادہ فوکس کری ہے کہ ہم لوگوں نے اکبر آباد کی جو آبادی ہے اور جو کہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو انتہائی غریب لوگ ہیں اور حالات ان کے لیے تھوڑے سے مشکل ہوئے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ ایک طاقت کے طور پہ ساری لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور لاہ عمل تشکیل دیا جا رہا ہے, اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صرف این جی اوز نہیں, سب مل کے قوم کی طرح جمع ہو اور ان کے لیے کوششیں کی جائیں اور ان کو ان کے گھر جو ہے وہ واپس دلایا جائے. لیکن یہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی کام شروع نہیں ہوا, لیکن بہت سی شبہات اور ہماری کمیونٹی کے اندر سے ایسی گفتگو سامنے آ رہی ہے جو کہ حوصلہ توڑنے والی ہے, اور یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج تک ہم کوئی بھی کام درست طور پہ نہیں کر سکے. تو ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ بھروسہ اور ایک دوسرے پہ رکھیں اور ہمت بڑھائیں. اچھا میڈم جی, آپ یہ بتائیں کہ جو ان کو ٹائم پیریڈ ملا 6 ماہ کا, تو رقم تو بہت زیادہ ہے, 10,48,00,000 روپیہ, تو یہ کیسے وہ غریب آدمی کر سکتے اتنی چھوٹی سی قلیل وقت میں؟ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے, آج کے دور میں ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں, میں نے بات کی ہے قوم کی, کہ ابھی جب ہماری کور کمیٹی بیٹھی بات کریں گی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر 1,00,000 بندہ بھی 1,000,000 روپیہ دے تو 10 کروڑ کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے یونٹی کی. اور ٹائم پیریڈ جو ہے قلیل مدت ہے بے شک ہے, اور جو کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہمیں ایک مضبوط لائحہ عمل بنانا ہے, ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے اور اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے اور اس کو ٹرانسپیرنٹ اور اکاؤنٹیبل رکھنا ہے, تاکہ ہم یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک تجربے کا بھی مقام ہے, ایکسپیریمنٹ پروجیکٹ بھی ہے کہ جس میں ہم لوگ اس کو ممکن بنائیں. قومیں اسی طرح بنتی ہیں
जब आप इकट्ठे होते हैं और जो मुश्किलें। जी हमारे साथ बरार साहब मौजूद हैं अकबराबाद के हवाले से, कौम को सर आप क्या ब्रीफिंग देंगे? देखिए जी, इसमें एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि फैसलाबाद जो है, फैसलाबाद के मसीही जो हैं अकबराबाद के मसीही लोगों के लिए तमाम जो सियासी मजहबी और समाजी कारकुन हैं सब इनके साथ यकजा हैं और सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी देखा है कि कोई भी जो कमजोर बंदा है हमेशा अदालत का सहारा लेता है। ये अकबराबाद के मसीही जो हैं अपने घरों को बचाने के लिए ये अदालतों में गए हैं, ये 30 साल से ये केस लड़ रहे हैं और उस वक्त भी ये अपनी रकम अदा करने से कासर थे, आज भी ये अपनी जो है ना रकम अदा नहीं कर सकते जितनी बड़ी अमाउंट अभी उनसे मांगी जा रही है और जितना थोड़ा सा अरसा उन्होंने 6 माह का अरसा दिया है। तो हम सबको उम्मीद है कि हम उनकी मदद करने में कामयाब होंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी रकम उन्होंने कही है 10 करोड़ के करीब है 6 माह में हमने करने हैं, तो हम सब मिलके फैसलाबाद के मसीही जो हैं हम सब यकजा होकर इस रकम को इकट्ठा कर लें। अच्छा सर जी, वासा में बिन्यामीन चौधरी बिन्यामीन साहब हैं, उन्होंने हुक्म सादर किया है कि हम अपने मुलाजम जो है क्रिश्चियन एक दिन की सैलरी काट कर इन लोगों की हेल्प करेंगे, क्या आपके दायरे में भी ये मुहिम चल रही है? देखिये ये भी खुशाइंद बात है कि वासा के जो है जनरल सेक्रेटरी बिन्यामीन सोत्रा साहब ने ऐलान किया है, तो हम भी ऐसा जरूर कोशिश करेंगे कि हम जो है अपने अकबराबाद के भाइयों के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ कर सके। हमारे साथ रेशमा भट्टी मौजूद हैं जो अकबराबाद के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो भट्टी साहब आप ये बताएं जो आप फंड इकट्ठा कर रहे हैं इसमें सुना गया है कि आपकी बहुत ज्यादा मुखालफत हो रही है, ये मुखालफत क्यों हो रही है अच्छे काम के लिए? जी बहुत शुक्रिया नेशनल न्यूज का सबसे पहले और नदीम साहब का, ये हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं यूथ को और वहां पहुंचते हैं। जी सर, अकबराबाद देखिए केस है, मजलूम तबका है मसीहियों का, जो जो लोग हैं राधा रियाज साहब जो उनकी प्रॉपर्टी है वो उनको लेना चाहते हैं और ये बात ठीक भी है। और अब स्ट्रेटजी ये है कि हमने कैथोलिक चर्च के साथ मिलकर, प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ मिलकर और अच्छे ख्याल के लोगों के साथ मिलकर ये इस काम को शुरू किया है ताकि जो लोग अपने पैसे अदा नहीं कर सकते इसके लिए फंड रेजिंग हो। तो देखें जो लोग, नदीम साहब आपकी वसासत से नेशनल न्यूज की, जो लोग कुछ कर नहीं ना सकते वो सिर्फ आपके पीछे बैठकर मुखालिफत करना बड़ा पसंद करते हैं। तो मेरा आपके चैनल की वसादत से ऐसे लोगों के लिए भी एक सवाल है और उनके लिए भी ये बात है कि आप अगर कुछ कर नहीं सकते तो किसी की मुखालिफत भी ना करें, अगर आप करते हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें बादशाह कायनात यीशु मसीह की भी अच्छे कामों में तारीख हुआ है कि लोग अच्छे कामों में लोगों की मुखालिफत भी करते हैं, तो हम इस अमर पर हमेशा कायम रहेंगे, इस मजलूम तबके के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और फंड रेजिंग करेंगे, कोशिश करेंगे, एनजीओस के पास, मिनिस्ट्रीज के पास, चर्च सेटअप के पास, चैनल्स वालों के पास जाएंगे और उनसे इल्तमास करेंगे कि हमारा साथ दें ताकि ये घर इसी तरह कायम रहे।